सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 में ऑटो की बिक्री पिछले महीने के मुकाबले 30.18% घट गई है। जहां मार्च में कुल 18,19,682 वाहन बिके थे, वहीं अप्रैल में यह आंकड़ा घटकर 12,70,458 पर आ गया। यात्री कारों की बात करें तो मार्च 2021 में बेची गई 1,56,985 कारों के मुकाबले बिक्री में 10.06% की गिरावट हुई है। अप्रैल में कुल 1,41,194 कार ही बिक पाई। जहाँ तक दोपहिया वाहनों की बात है, एक महीने पहले बेचे गए 14,96,806 वाहनों की तुलना में इस बार सिर्फ 9,95,097 इकाइयाँ ही बिक पाई हैं, यानी 33.52% की गिरावट हुई है। तीन पहिया वाहनों की मांग में भी गिरावट देखी गई है और अप्रैल में सिर्फ 13,728 वाहन ही बिके, जो पिछले महीने के मुकाबले 57% की बड़ी गिरावट है। CF Moto India ने 650 NK और 650 GT मोटरसाइकिलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। ग्राहक ₹5,000 चुकाकर दोनों में से किसी भी बाइक को बुक कर सकते हैं। 300 MK के बाद CF Moto 650 NK कंपनी की दूसरी BS6 लॉन्च होगी। स्ट्रीट फाइटर 649cc की पैरल ट्विन इंजन पर चलती है, जो 60 BHP और 56 NM पीक टॉक बनाता है। वहीं 650 GT एक स्पोर्ट्स टूरर है और यहाँ यही इंजन 62 BHP और 58.5 NM बनाता है। दोनों बाइक्स TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्टाइल में बदलाव और नए रंगों के साथ आएंगी। फ्रांस की टायर कंपनी मिशेलिन ने रसायन फर्म कार्बियोस के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक बनाई है जो प्लास्टिक को डीपॉलीमराइज कर सकती है। कंपनी का कहना है कि एक एंजाइमेटिक रिसाइकलिंग प्रक्रिया के माध्यम से वह टायर के निर्माण में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कर पाएगी। इस प्रक्रिया का उपयोग 100% प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने और उसे फाइबर में बदलने के लिए किया जाता है, जिससे टायर बनाए जा सकते हैं। ये कदम 2030 तक टायर बनाने के लिए 40% सस्टेनेबल चीज़ों का उपयोग करने के मिशेलिन के उद्देश्य का एक हिस्सा है। कंपनी की योजना 2050 तक इस आंकड़े को 100% तक बढ़ाने की है। हाय, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।